दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आयुष आज आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल गृह निर्माण गुरु। दोस्तों जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको रजिस्ट्री से जुड़ी सारी जानकारी दी थी जिसे आपने बहुत पसंद भी किया था, दोस्तों आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको जिस टॉपिक की जानकारी देने जा रहा हूँ दोस्तों वो है नामांकन। दोस्तों नामांकन को अभी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो चलिए पहले देखते हैं कि नामांकन और किन किन नामों से जाना जाता है। दोस्तों नामांतरण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे हमें रजिस्ट्री के तुरंत बाद कराना बहुत जरूरी है। अगर हम नामांतरण नहीं कराते हैं तो दोस्तों हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों नामांतरण को और क्या क्या बोला जाता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों नामांतरण को दाखिल खारिज भी बोला जाता है, म्यूटेशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, सरकारी दस्तावेजों में नाम परिवर्तन को ही नामांतरण बोला जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको नामांतरण को पॉइंट वाइज समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों नामांतरण नहीं कराने से हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है, नामांतरण कराने के लिए हमें किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, नामांतरण कराने के क्या क्या फायदे हैं, नामांतरण के समय हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, दोस्तों तो हम चलिए इन सभी टॉपिक्स पर आपसे डिटेल में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब गलतियों से बचाव और सुझाव के लिए मैं यह वीडियो आज आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ नामांतरण से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी, नामांतरण के लिए हमें कहाँ आवेदन करना है, नामांतरण के लिए हमें किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों कोशिश करिए कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम जमीन खरीद तो लेते हैं और रजिस्ट्री भी करा लेते हैं और हमें लगता है कि बस अब तो जमीन हमारी हो गई, पर दोस्तों यहीं पर हम गलती करते हैं और दोस्तों जिस जमीन को हमने खरीदा है और अगर उसका नामांतरण हमने नहीं कराया है तो उस जमीन पर पूर्ण रूप से मालिकाना हक हमारा अभी नहीं हुआ है और दोस्तों जिससे हमने उस जमीन को खरीदा है वो उस जमीन को किसी और के पास भी बेच सकता है और दोस्तों आपके पैसे डूबने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं या खरीद चुके हैं तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके दोस्तों उस जमीन का नामांतरण करा लें और धोखेधड़ी से बचे। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक तो होती है कृषि भूमि और दोस्तों दूसरा होता है आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक या फिर और अन्य कोई निर्मित प्रॉपर्टी। तो दोस्तों दोनों ही प्रॉपर्टी का नामांतरण अलग अलग तरीके से और अलग अलग सरकारी विभागों में होता है। तो दोस्तों आज हम पहले पार्ट में देखेंगे कि कृषि भूमि का नामांतरण किस तरीके से होता है और दोस्तों दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक और अन्य निर्मित प्रॉपर्टी का नामांतरण कैसे होता है। तो दोस्तों नामांतरण की प्रक्रिया को समझने से पहले चलिए हम देखते हैं कि कितने प्रकार की प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं या प्राप्त करते हैं जिनका हमें नामांतरण कराना होता है। सेल डीड, विक्रय विलेख, गिफ्ट डीड, उपहार विलेख, लीगल इनहेरिटेंस, कानूनी विरासत, विल, वसीयत, एक्सचेंज, विनिमय विलेख, ट्रांसफर डीड, स्थानांतरण विलेख। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि हम कितने प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदते हैं या प्राप्त करते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि नामांतरण कैसे करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम पहला पार्ट कृषि भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दो दोस्त थे राम और श्याम। राम अपनी जमीन बेचना चाहता था तो उसने अपने दोस्त श्याम से 20 लाख रुपए में जमीन का सौदा तय किया और दोनों दोस्तों ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें 5 लाख रुपए एडवांस और बाकी पेमेंट 20 दिन बाद 15 लाख रुपए रजिस्ट्री के दिन देना तय हुआ और 20 दिन बाद दोनों दोस्तों के बीच में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण हुई पूरा पेमेंट होने के बाद। तो दोस्तों हमें लगता है कि यहाँ पर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, अब तो रजिस्ट्री हो गई है, अब तो जमीन हमारी हो गई है, पर दोस्तों यहीं पर हम गलती करते हैं और नामांतरण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देते हैं और धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं और हमारे पैसे डूबने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमें ध्यान देना है और रजिस्ट्री होने के तुरंत बाद ही हमें नामांतरण कराने पर ध्यान देना है क्योंकि नामांतरण होने के बाद ही जमीन का मालिकाना हक दस्तावेज जैसे कि पर्चा, पट्टा, खसरा और नक्शा हमारे नाम से बनता है और सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमारा नाम दर्ज हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार नामांतरण होने के बाद राम का नाम सरकारी दस्तावेजों में से कट गया
और श्याम का नाम दर्ज हो गया। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया पहला पार्ट कृषि भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया। दोस्तों चलिए अब देखते हैं दूसरा पार्ट आवासीय व्यवसायिक औद्योगिक और अन्य निर्मित प्रॉपर्टी के नामांतरण की प्रक्रिया। तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं दूसरे पार्ट के नामांतरण की प्रक्रिया को, जिसमें हम देखेंगे आवासीय व्यवसायिक औद्योगिक और अन्य निर्मित प्रॉपर्टी का नामांतरण क्यों जरूरी है और कैसे करते हैं। दोस्तों इस पार्ट में भी हम एक उदाहरण ले लेते हैं। दोस्तों इस पार्ट में अजय और विजय दो दोस्त हैं। अजय ने अपनी जमीन का सौदा विजय से 40 लाख रुपए में तय किया और दोनों दोस्तों ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें 10 लाख रुपए एडवांस और बाकी पेमेंट 20 दिन बाद रजिस्ट्री के दिन देना तय हुआ। और दोस्तों 20 दिन बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया दोनों दोस्तों में पूर्ण हुई पूरा पेमेंट होने के बाद। तो दोस्तों जो व्यवसायिक औद्योगिक या अन्य निर्मित प्रॉपर्टी होती है इस कंडीशन में रजिस्ट्री पेपर को ही मालिकाना हक दस्तावेज मान लिया जाता है और इस प्रॉपर्टी में हमें सरकारी राजस्व रिकॉर्ड्स को अपडेट कराने की जरूरत नहीं होती है। और दोस्तों इस प्रॉपर्टी में हमें नगर निगम अथवा नगर पालिका में ही नामांतरण कराने की जरूरत होती है क्योंकि संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स किसके नाम से भरा जाएगा, इसलिए हमें नगर निगम अथवा नगर पालिका में अपने रिकॉर्ड्स अपडेट कराने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये तो हुई कृषि भूमि और औद्योगिक भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया। चलिए अब देखते हैं कि हमें किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी नामांतरण के लिए। तो दोस्तों हमें जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी वे इस प्रकार है, सेल डीड, विक्रय विलेख, गिफ्ट डीड, उपहार विलेख, एक्सचेंज डीड, विनिमय विलेख, ट्रांसफर डीड, स्थानांतरण विलेख। नामांतरण के लिए आवेदन, क्षतिपूर्ति बॉन्ड स्टाम्प पेपर में, शपथ पत्र स्टाम्प पेपर में, प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की रसीद वर्तमान तारीख तक, पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी अगर उपयुक्त हो, आधार कार्ड की कॉपी, कानूनी विरासत या फिर वसीयतनामे वाले प्रॉपर्टी में अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी वे इस प्रकार है, मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयत की प्रति, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी अगर उपयुक्त हो, आधार कार्ड की कॉपी। तो दोस्तों ये तो हुई दस्तावेजों की बात जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी दोनों ही पार्ट में नामांतरण के लिए। चलिए अब देखते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नामांतरण कराते समय अच्छे से चेक कर लें कि जिस जमीन को आपने खरीदा है उसका खसरा नंबर और आपका नाम सही अंकित हुआ है कि नहीं। तो अगर कोई दो पार्टी अगल बगल में जमीन खरीदती है एक ही दिन और एक ही समय, तो उस कंडीशन में दोस्तों खसरा नंबर और नाम एक्सचेंज होने के चांस बहुत ज्यादा रहता है, तो जिससे आपको बाद में परेशानी हो सकती है नामांतरण के समय। इसलिए अच्छे से चेक कर लें और ध्यान रखें और बाद में होने वाली परेशानियों से बचें। और नामांतरण के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता है तो आप ध्यान रखें और किसी को कोई अतिरिक्त चार्ज अदा न करें। जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले विक्रेता से सीमांकन रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त कर लें और सुनिश्चित कर लें कि उस जमीन पर कोई विवाद तो नहीं है। कोशिश करें कि डाइवर्टेड प्रॉपर्टी ही लें और उस प्रॉपर्टी का कोई टैक्स तो बकाया नहीं है, अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद ही प्रॉपर्टी खरीदें और नामांतरण कराएं। और दोस्तों अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का नामांतरण नहीं कराया है तो जल्द से जल्द नामांतरण करा लें और अपने पैसे डूबने से और धोखाधड़ी से बचें और अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम से रजिस्टर्ड कराएं। तो अगर किसी प्रॉपर्टी या जमीन के मालिक खाता धारक एक से अधिक है तो रजिस्ट्री और नामांतरण कराने के समय सभी खाता धारकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जरूर प्राप्त कर लें और होने वाली परेशानियों से बचें। दोस्तों अगर आप ऐसे किसी धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं कि जिस जमीन या प्रॉपर्टी को आपने खरीदा है और उसकी रजिस्ट्री कराई है पर किसी कारण से आपने नामांतरण नहीं कराया है और उस प्रॉपर्टी के पुराने मालिक ने उस जमीन की रजिस्ट्री किसी और के पास अगर करा दी है, तो इस कंडीशन में आप सक्षम अधिकारी तहसीलदार के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं
और इस कंडीशन में जिसकी रजिस्ट्री पुरानी रहेगी दोस्तों, फैसला उसके पक्ष में जाएगा। या जमीन को खरीद रहे हैं उसका कानूनी तौर पर रजिस्ट्री और नामांतरण तभी मान्य होगा जब आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और पूर्ण स्टाम्प ड्यूटी अदा करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि नामांतरण कराने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। नामांतरण नहीं कराने पर रजिस्ट्री होने के बाद भी हमारे पैसे डूबने के चांस रहते हैं, नामांतरण कराने के बाद हमारे पैसे डूबने से बच जाते हैं। नामांतरण होने के बाद प्रॉपर्टी का मालिकाना हक हमारा हो जाता है और सभी राजस्व रिकॉर्ड्स में हमारा नाम दर्ज हो जाता है। नामांतरण होने के बाद अगर आपके प्रॉपर्टी पर कोई सरकारी प्रोजेक्ट आते हैं जैसे रेलवे लाइन, रोड या फिर प्लांट, तो उस जमीन का मुआवजा आपको मिलेगा। और अगर आपने नामांतरण नहीं कराया है तो उस जमीन का मुआवजा जो पुराना मालिक है उसे मिलेगा। नामांतरण आपके नाम से होने के बाद ही मालिकाना हक आपका होगा और उसके बाद ही आप बैंक से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुए नामांतरण के फायदे, और अगर अभी तक आपने अपनी जमीन का नामांतरण नहीं कराया है तो जल्दी से नामांतरण करा लीजिए और अपने जमीन का मालिकाना हक प्राप्त कीजिए और धोखाधड़ी के शिकार होने से बचिए। तो ये तो थी दोस्तों नामांतरण से जुड़ी सारी जानकारी जो मैंने आपको बता दी कि आपको नामांतरण के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे कैसे नामांतरण की प्रक्रिया होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और नामांतरण से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल चल रहे हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल गृह निर्माण गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपको गृह निर्माण से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मेरे इस चैनल गृह निर्माण गुरु के माध्यम से देता रहूं। दोस्तों मैं आपका दोस्त आयुष गृह निर्माण गुरु, जल्द ही मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।